जब कभी स्थिति पर पाप का बोझ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जालिम तुम्हें मिटाने शंकर आएगा, शंकर आएगा, शंकर आएगा। शंकर अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ता। एक नए हीरो का कमाल, वो बन गया किलर का सबसे बड़ा धमाल। इस फिल्म ने मुंबई से मालेगांव तक सफलता के झंडे गाड़े और दर्शकों का दिल जीत लिया। मुंबई के इंपीरियल सिनेमा में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाकर एक नया मुकाम हासिल किया है। किलर यानी कि क्यों बन गया वो किलर, इसको जो समझता है वो 10-10 बार 20-20 बार देखता है। कई सालों से कोई फिल्म सिल्वर जुबली नहीं हुई, वहाँ ये फिल्म 27 हफ्ते चली और दर्शकों की लंबी भीड़ लगने लगी इस फिल्म को देखने के लिए। इस फिल्म को दर्शक बार बार देखे और एक दर्शक ने तो कमाल ही कर दिया, इस फिल्म को उसने 50 बार देखा। उनका मानना है कि फिल्म एक बार नहीं बार बार देखने को मन करता है, इसलिए वो बार बार देखते हैं इस फिल्म को। वो बन गया किलर। इस फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी आवाम को बहुत ही पसंद आई है और उनका मानना है कि फिल्म सबसे हटकर नंबर 1 है। और इस फिल्म के हीरो को भी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार की एंट्री पर दर्शकों की सीटियां, तालियां और किलर किलर की आवाज से पूरा सिनेमा हॉल गूंजा। और महिलाओं ने भी फूलों से शानदार स्वागत किया। धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार इस फिल्म से हर वर्ग के लोगों के चेहरे बनते जा रहे हैं, महिला हो या बुजुर्ग। और यंग जनरेशन का मानना है कि बड़े बड़े स्टारों ने जो नहीं किया वो हमारे धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार ने करके दिखाया। आज के दौर में महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार के खिलाफ फिल्म के जरिए एक बहुत ही बड़ी आवाज उठाई है और हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आई है, इसलिए धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार वो सबका चहेता एक्टर सिल्वर जुबली नायक बन गया है। और हमारे दर्शकों का ये भी मानना है धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार एक्टिंग के साथ साथ एक्शन में भी नंबर 1 है, इसलिए धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार को दर्शक किलर पार्ट 2 में भी देखना चाहते हैं। और हम तो चाहते हैं कि उनकी मूवी और उसका दूसरा पार्ट आए। ये लगता है ये पिक्चर देख के दूसरा पार्ट भी आना आना चाहिए। सब पार्ट तो जरूर निकलेगा और ये तो भाई को बोलता हूं कि इसका दो पार्ट भी आ जाए तो अच्छी, तो उसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये फिल्म मुंबई के कुछ सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है तो इतना धमाल मचा रही है तो पूरे हिंदुस्तान में रिलीज होने पर तहलका मचा देगी। इस फिल्म के हीरो धर्मेश उर्फ विजय एस कुमार को मुंबई और मालेगांव में दर्शकों का जिस तरह इतना प्यार मिला उसे देखकर लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार बन जाएगा और सबकी जुबा पर एक ही नाम होगा, वो बन गया किलर किलर किलर। Happy, 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 happy.